नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रोज के अपने कार्यक्रमों में हम लग्न की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न कैसा होता है, सिंह लग्न के लोग कैसे होते हैं, सिंह लग्न के लोगों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आप सलाह लेकर के विशेष दशाओं में मोती पहन सकते हैं। मोती पहनने से आपके स्वास्थ्य के मामले में और अध्यात्म के मामले में अद्भुत फायदा, अद्भुत लाभ हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि सिंह लग्न की खास बातें क्या हैं। देखिए, सिंह लग्न का जो स्वामी है ये सूर्य है। सिंह लग्न अग्नि तत्व प्रधान लग्न है। सिंह लग्न के लिए सूर्य, मंगल और बृहस्पति मित्र माने जाते हैं। बुध, शुक्र और शनि इस लग्न के परम शत्रु हैं। चंद्रमा इस लग्न के लिए समभाव रखता है, बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। अब ये जानते हैं कि जो लोग सिंह लग्न के होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी खूबियां क्या हैं। सिंह लग्न के लोग मजबूत डील डॉल के होते हैं। इनका चेहरा रोबस्ट दिखता है, चेहरा बड़ा मजबूत दिखाई देता है। सामान्यतः सिंह लग्न के लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं। या तो ये स्वयं का काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, या जहां भी काम करते हैं वहां पर उच्च पद पर बने रहते हैं। आम तौर पर सिंह लग्न वालों के पास कला का, संगीत का और अभिनय का गुण पाया जाता है। सिंह लग्न के लोग धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। धर्म और अध्यात्म में इनकी विशेष रुचि होती है। ये लोग प्रेम के मामले में, काम के मामले में और रिश्तों के मामले में वफादार होते हैं। शुरुआत में अक्सर सिंह लग्न वालों को करियर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन तकरीबन उम्र के 36 साल के बाद ये काफी तरक्की कर जाते हैं। इनका जो स्वास्थ्य है वो पित्त प्रधान होता है। पित्त की समस्या इनको आम तौर पर परेशान करती है। अब ये जानते हैं कि सिंह लग्न के लोगों की कमियां क्या हैं और सिंह लग्न के लोगों की समस्याएं क्या हैं। देखिए, अत्यधिक काम करने की आदत होती है इनकी। काम किए बिना इनको चैन नहीं पड़ता और दूसरों पर भी काम का दबाव बनाए रखते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जितना काम करें अगला भी उतना ही कर ले। अक्सर जो इनके अंडर में काम करते हैं, जो इनके साथ में काम करते हैं, उनके साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। इनके व्यवहार को लेकर के असंतोष रहता है। स्वभाव थोड़ा जिद्दी और थोड़ा कठोर होता है। अगर ये जल्दी शादी कर लें तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाती है और संतान के साथ तालमेल बैठाने में समस्या जरूर होती है। सिंह लग्न के लोग कभी कभी बहुत ज्यादा कामुक भी हो जाते हैं। इनको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हड्डियों और आंखों की समस्या परेशान करती है। अब ये जानते हैं कि सिंह लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, अपने जीवन को अच्छा कैसे करें। नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें। सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल चढ़ाएं, अपने गुरु की शरण में रहें और उनकी बातों को मानें। अपने व्यवहार और अपनी वाणी को कठोर ना करें, अपने व्यवहार और वाणी को मधुर बनाएं। संतान और सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाए रखें। व्यर्थ के दुस्साहस का प्रदर्शन न करें। व्यर्थ में जोश में आकर के कोई गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करें तो अच्छा होगा। लाल, पीला और नारंगी रंग आपके लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन काले रंग से आपको परहेज करना चाहिए। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है और संतान के साथ तालमेल में समस्या है तो क्या करेंगे।
नित्य प्रातः रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करें, रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में एक सोने या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार को धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तालमेल संतान के साथ बेहतर हो जाएगा।